हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल SRS मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं कि एयरटेल सिम का अगर PU के कोड मांगता है तो कैसे उसको अनलॉक करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अपने जिस फ़ोन में PU के कोड मांग रहा है उसके अलावा किसी और फ़ोन को ले लें और उस फ़ोन में *121*51# डायल करें किसी अदर फ़ोन से, क्योंकि जिस फ़ोन में आपका PU के कोड मांग रहा है उसमें आप कुछ डायल नहीं कर सकते हैं, न कर पाएंगे आप। तो किसी और फ़ोन से आप डायल करें *121*51#डायल करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो कि नंबर 3 पे दिया हुआ है PUK। तो नंबर 3 दबा करके सेंड कर दें। सेंड करने के बाद दोस्तों इसमें पूछेगा PUK कोड फॉर अदर और PUK कोड सेल्फ। अगर खुद के सिम के लिए चाहिए तो नंबर 2 दबाएं, और मुझे किसी और फ़ोन के लिए चाहिए, किसी और सिम के लिए ये चाहिए, तो नंबर 1 दबा करके सेंड कर दें, क्योंकि मुझे किसी और फ़ोन के लिए ही चाहिए। अब ये पूछ रहा है मोबाइल नंबर, यानी कि जिस मोबाइल नंबर में PUK कोड मांग रहा है उसका नंबर आप यहाँ पे एंटर करें। जैसे कि मैं अपना नंबर एंटर कर रहा हूँ, आप अपना नंबर एंटर करें और उसके बाद सेंड करें। सेंड करने के बाद जो सिम का जिसके नाम पे रहता है उसके नाम का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो डेट ऑफ बर्थ प्रेस करें। अगर 0 में है तो 0 में प्रेस करें, और अगर चे अंक में पूरा है तो पूरा अंक में टाइप करें। जैसे कि दोस्तों मैं डाल रहा हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सेंड करें। उसके बाद सेंड करते ही आपका PUK कोड सामने आ जाएगा। दोस्तों देखिए, जैसा कि आ चुका है नीचे PUK कोड मेरा। अब जिस फ़ोन में PUK कोड मेरा मांग रहा था उस फ़ोन में इस नंबर का PUK कोड उसमें डाल करके एंटर करें। एंटर जैसे ही करेंगे आप, वैसे न्यू पासवर्ड मांगेगा। न्यू पासवर्ड मांगेंगे तो उसमें 1234 डालें, फिर से कंफर्म न्यू पासवर्ड मांगेगा वो, तो फिर 1234 डाल के एंटर करें। उसके बाद दोस्तों फ़ोन आपका ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाने के बाद फिर दोस्तों सिक्योरिटी सेटिंग में जाएं। सिक्योरिटी सेटिंग में जाने के बाद ऑन होगा उसका सिक्योरिटी सिस्टम, उसको ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करते समय फिर यही पासवर्ड मांगेगा जो कि 1234 डालना है आपको। धन्यवाद।